मार्केट, मैप्रो गार्डन एंड आई थिंक व्यू पॉइंट भी देखेंगे क्योंकि अभी बहुत प्यारा सनसेट होगा. पंचकनी के खूबसूरत पहाड़ों के बीच आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी में लेके आई हूँ जो ना कि सिर्फ बजट फ्रेंडली है बट आपको अपने खूबसूरत एम्बियंस के साथ एक बहुत ही अच्छा स्टे ऑफर करती है. हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल चॉप मंच रिपीट एंड वेलकम बैक टू येट अनदर स्टेकेशन ब्लॉग. टुडे वी आर एट अरेबियन विलास इन पंचगनी. इनके पास दो बहुत ही अच्छे 3 BHK लग्जूरियस विलास है, उसी के साथ दे हैव 5 cottages जहाँ पे आप अपना स्टे एंजॉय कर सकते हो. यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो एक मस्त सा स्विमिंग पूल भी है. आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा यहाँ का कम्प्लीट प्रॉपर्टी टूर, यहाँ का रूम टूर, यहाँ पे फूड फैसिलिटी कैसी है, ओवरऑल मेरा कम्प्लीट स्टेकेशन एक्सपीरियंस एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इस विला को बुक करने से पहले लगेगी. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टी टूर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोस्त जो मेरे चैनल पे नए आए हैं. हाई गाइज, माई नेम इज शमा एंड आई क्रिएट कॉन्टेंट अबाउट फूड एंड लाइफ स्टाइल हियर ऑन चॉप मंच रिपीट. सो इफ एंजॉय वॉचिंग माई वीडियोज एंड फाइंड देम हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विद दैट फटाफट प्रॉपर्टी टूर से शुरुआत करते हैं. चलो, वेलकम टू आर स्टे फॉर टूडे. सो जैसे ही आप लोग अंदर आते हो ये है ड्रॉइंग रूम एरिया. टूडे वी आर स्टेइंग एट अरेबियन विला मारवा. पूरे विला में काफी खूबसूरत सी ऐसे ब्राउन एंड बेज कलर की थीम है. देयर इज दिस वेरी विंटेज लुकिंग डोर एंड अ वेरी नाइस सिटिंग प्रोवाइडेड ओवरऑल. यहाँ पे बहुत बड़ा टीवी भी है, तो यू नो आप लोग अगर अपने बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हो यू कैन हैव अ चिल टाइम हियर एंड आप लोग बहुत मस्ती कर सकते हो यहाँ पे. ड्रॉइंग रूम से आप लोग देख सकते हो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है. वहां जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं. यहाँ से आप जैसे ही बाहर आते हो, ओह वेट वेट वेट, बाय द वे गाइस देयर इज अ फ्रिज गिवन, तो आप लोग अपने कोल्ड ड्रिंक पानी वानी ठंडा यहाँ पे कर सकते हो. यहाँ से बाहर आते ही इनका ये यू नो बहुत प्यारा सा ऐसा बैकयार्ड लॉन एरिया टाइप सेटअप है. कैन यू हियर द बर्ड चिरपिंग, ओ माय गॉड, ये मेरा ना पूरे विला में फेवरेट पार्ट है. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऐसे सेंटर सिटिंग से दी हुई है, दे हैव गिवन मल्टीपल चेयर्स हियर. उसी के साथ ये बहुत ही प्यारा सा झूला है, एकदम हॉलीडे वाइब्स आ रही है ना. एंड देन ये है आपका प्राइवेट लॉन, ये लॉन सिर्फ इसी विला के लिए है. यू कैन सी वहाँ पे इन्होंने हैमक लगाया हुआ है, ऊपर इतने खूबसूरत से पेड़ है, साइड में इन्होंने काफी प्यारे प्यारे ऐसे फेंसिंग के पास प्लांट्स भी रखे हैं. एंड दिस इज द विला वेयर वी गोना स्टे टुडे. रात के टाइम पे ये लोग यहाँ पे बारबेक्यू भी करते हैं. आप लोग देख सकते हो बारबेक्यू का सेटअप पूरा यहाँ पे दिया हुआ है. बट द ओवरऑल वाइब ऑफ दिस प्लेस एंड लेट मी टेल यू द क्लाइमेट टुडे, ओ माय गॉड इट्स सो गुड. पंचगनी बोले तो एकदम ऐसे यू नो ठंडा ठंडा ब्रीजी लग रहा है. द आइडियल हिल स्टेशन वाइब इज हियर. एंड अभी मैं एक एक करके आपको बेडरूम्स दिखा देती हूँ. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिविंग एरिया के साइड में ही इन्होंने वॉश बेसिन भी दिया हुआ है. दैट्स मी, हेलो, देयर इज अ स्मॉल काउंटर आल्सो हियर. तो यू नो आप लोग पूरा ड्रॉइंग रूम का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है. एंड जैसे यहाँ पे 3 bedrooms है, सो द फर्स्ट बेडरूम इज राइट हियर. दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, ओ माय गॉड लुक एट दैट कंफर्टेबल बेड. दिस इज कम्प्लीटली एयर कंडीशन. यहाँ पे काफी क्लीन लिनन्स है, ओवरऑल यू नो काफी वुडन टाइप की थीम चल रही है. देयर आर 2 closets हियर जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो. उसी के साथ इस पे टीवी भी है. हर एक बेडरूम में इन्होंने टीवी दिया है एंड एसी दिया है. एंड देन देयर इज दिस अटैच्ड वॉशरूम एरिया. वॉशरूम काफी बेसिक है बट आप लोग देख सकते हो क्लीन है एंड गीजर है. एंड यहाँ से बाहर निकल के सीधा ड्रॉइंग रूम है. तो यू नो अगर आप लोग के साथ कोई एल्डरली कपल है या कोई सीनियर सिटीजन है, सो दे कैन लिव इन द ग्राउंड फ्लोर वाला बेडरूम. एंड देन यहाँ से चलते हैं सीधा ऊपर. ये सीढ़ियां देखो आप लोग, एकदम फार्म हाउस वाइब आएगी यहाँ पे. सो यहाँ से जैसे ही आप ऊपर जाते हो ये फर्स्ट फ्लोर पे है. ये ब्यूटीफुल सा कॉमन एरिया, यहाँ पे इन्होंने ये प्यारी सी सिटिंग दी हुई है. आप लोग चाय वाय पी सकते हो. यहाँ पे सामने भी एक दीवान सा है. एंड देन यहाँ से आप बाहर जाते हो, सो देयर इज दिस वेरी प्रिटी लुकिंग बालकनी. सुंदर लग रही है ना, आप व्यू देखो, मतलब माय गॉड देयर आर सो मेनी ट्रीज अराउंड, क्लाउड्स आज इतने दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट वाइब है. एंड देन यहाँ पे है एक और बेडरूम.
बेडरूम, काफी स्पेशियस बेडरूम्स हैं इनके। ये भी कम्प्लीटली एयर कंडीशन है। इट हैज टू क्लोजेट्स एंड अ टीवी एज वेल। यहाँ पे भी इन्होंने बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम दिया हुआ है, एकदम सेम है, क्लीन विद गीजर, टॉवल्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। एंड देन यहीं पे साइड में दिया हुआ है एक और बेडरूम। सो दिस इज द थर्ड बेडरूम। लुक एट दिस बेडरूम, इट लुक्स सो कॉम्फी, एकदम वार्म वाइब आ रही है। यहाँ पे भी इन्होंने ये अटैच्ड वॉशरूम दिया हुआ है। तीनों बेडरूम्स बिल्कुल सेम है। सो लाइक आई मेंशन अर्लियर कि यहाँ पे 15 से 17 लोगों का स्टे अकोमोडेट हो जाता है। सो व्हाट दे डू इज कि तीन बेडरूम है तो आप लोग तीन तीन लोग बेडरूम में अकोमोडेट हो सकते हो। एंड फॉर एक्स्ट्रा पीपल दे प्रोवाइड वेरी कम्फर्टेबल मैट्रेसेस। सो ओवरऑल आप लोग एक काफी अच्छा एंड बहुत ही बजट में, मैं बता देती हूँ, स्टे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। इस विला के चार्जेस है सिर्फ 8,000 rupees ऑन वीकडेज, वो भी 15 से 17 लोगों के लिए। एंड वीकेंड पे भी इट इज ओनली 10,000 rupees। एंड अब मैं यहाँ से ऊपर जा रही हूँ छत की तरफ, तो यहाँ पे ऊपर टेरेस एरिया भी दिया हुआ है। ला 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 ला। वाओ, पहाड़ देख रहे हो। सो ये काफी अच्छा यहाँ पे टेरेस स्पेस है, यू नो यहाँ पे आप लोग चिल कर सकते हो। एंड टेरेस से नीचे आपको यहाँ पे पूरा आपका लॉन भी दिख रहा है। ओवरऑल अ वेरी कूल वाइब। एंड अभी मैं आपको यहाँ से सीधा लेके चलती हूँ स्विमिंग पूल की तरफ। तो आप जैसे ही पहले तो विला से बाहर आते हो ना, यू कैन सी हियर, यहाँ पे पार्किंग दी हुई है। एंड ये जो एरिया है ना, यहाँ से भी आप सीधा लॉन की तरफ जाते हो, तो इट्स लाइक अ यू नो फ्रंट डोर बैक डोर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। लग रहा है एकदम से फार्म हाउस की तरह। एंड देन यहाँ से हम लोग चल के जाएंगे ऊपर पूल एरिया की तरफ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, दे हैव 2 3BHK विला, सो दिस इज द अदर 3BHK विला। एंड देन यहाँ से आप जैसे ऊपर जाते हो ना, वॉक करने के लिए भी इतनी अच्छी स्पेस है। एंड यहाँ से आप लोग नीचे देख सकते हो, सो दिस इज द कॉमन स्विमिंग पूल एरिया। काफी बड़ा पूल है यहाँ पे, यू कैन सी यहाँ पे एक छोटा सा बेबी पूल भी बना हुआ है। एंड देन देयर इज दिस पूल बिग इनफ फॉर यू नो बड़ा वाला ग्रुप। एंड साइड पे आप लैंडस्केपिंग देखो भाई साहब, इट लुक्स सो प्रिटी। यहाँ पे इन्होंने पूल टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं, उसी के साथ छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड द वाइब इज सो चिल हियर। पूल एरिया से आप जैसे ही आगे चल के जाते हो ना, यू कैन ऑलरेडी सी यहाँ पे इन्होंने ना छोटा सा प्ले एरिया दिया हुआ है। सो इफ यू हैव एनी किड्स इन योर ग्रुप, उनके लिए तो बहुत ही फन पार्ट है ये। एंड साथ में यहाँ पे दिस इज देयर इन हाउस रेस्टोरेंट स्पेस, अ वेरी स्मॉल स्पेस वेर यू कैन हैव फूड। अगर आपका बड़ा ग्रुप है, आप आराम से यहाँ पे बैठ के अपना लंच एंजॉय कर सकते हो, डिनर एंजॉय कर सकते हो। एंड यू विल हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू in front of you, totally worth the money. Hello. चलो अभी ऊपर ना कॉटेज भी देख लेते हैं। सो दीज आर द मल्टीपल कॉटेजेस दैट दे हैव हियर। अगर आप लोग कपल्स में आ रहे हो, देन दिस इज परफेक्ट फॉर यू। यहाँ पे भी एक कंफर्टेबल सा बेड है। एंड वन स्पेशलिटी इज दैट दिस कॉटेज हैज अ ब्यूटीफुल बाथटब। लुक एट दैट, ओ माय गॉड, इट लुक्स सो प्रिटी। एंड विद दैट वी गोना फिनिश आवर प्रॉपर्टी टूर राइट हियर। आई एम गोना थॉरली एंजॉय दिस प्लेस नाउ, हैव माय लंच एंड आई विल सी यू आफ्टर दैट। गॉड, इतना ज्यादा खा लिया है। अभी हमारा प्लान है कि थोड़ा बाहर निकलते हैं, सैर करते हैं। पंचगनी आए हैं तो डेफिनेटली वी गोना सी सम प्लेसेस आसपास, जो भी है यू नो मार्केट, मैप्रो गार्डन एंड आई थिंक व्यू पॉइंट भी देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत प्यारा सनसेट होगा।
मॉर्निंग गाइज, इज द नेक्स्ट डे एट अरेबियन विलास पंचगनी। हमारी सुबह इतनी ज्यादा खूबसूरत हुई है ना, एक तो मैं बहुत जल्दी उठ गई आज, मेरी नींद है ना इतनी जल्दी पूरी हो गई। मैं उठी, आई वेंट टू द छत एंड वहां से इतना खूबसूरत सनराइज दिख रहा था। सनराइज छोड़ो, सनराइज से भी ज्यादा यू नो आस पास ना इतनी बर्ड्स की आवाज थी, इट वॉज लिटरली मतलब एको हो रहा था, अलग अलग बर्ड्स की आवाज मिलकर एको हो रहा था। इट वॉज एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल। नाउ वी आर हियर फ्रेश फ्रेश होके हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। चेकआउट करने से पहले वी आर हैविंग दिस डिलिशियस ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है पोहा, ऑमलेट, ब्रेड, अपना स्टेपल। आई थिंक ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ना यहाँ पे मतलब पूरा स्टे, खाना, हम लोग जो कल बाहर घूमे, सब कुछ मिला के ना बहुत प्लेजेंट रहा है। एवरीथिंग, द सर्विस हैज बीन गुड, द प्लेस इज नाइस। अगर आप बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हो एंड आप अगर कुछ नो अफोर्डेबल देखना चाहते हो कि आपका ज्यादा खर्चा भी ना हो, एट द सेम टाइम यू हैव ऑल द फन बिकॉज दे हैव स्विमिंग पूल ऑल्सो, प्लेइंग एरिया ऑल्सो, दिस बिग लॉन ऑल्सो, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लोकेशन डिटेल्स भी डाल दूंगी, जस्ट इन केस अगर आप लोगों के पास कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं है एंड आप लोग अगर बस से आना चाहते हो तो आप लोग जब यहाँ पे पहुंचोगे ना तो यहाँ से ये लोग आपको टैक्सी सर्विसेज भी देते हैं। सो अगर यू नो आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो पंचगनी तो आप उससे कर सकते हो। आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग राइट हियर, बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आज के वीडियो का शाउट आउट जाता है अभिषेक देसाई को। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर लवली कॉमेंट। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हो ना, इट मेक्स माई हार्ट सो फुल एंड सो वॉर्म। थैंक यू वंस अगेन। इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो, यू नो वॉट टू डू, जस्ट ड्रॉप अ कॉमेंट डाउन बिलो, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करो, साथ में एड करो #chopmunchfam एंड जिस किसी का कॉमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसे मेरी अगली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। मैं मिलूंगी आपको दोबारा ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।